आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि एविक्शन ड्राइव के हवाले से कुछ लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं, सरकारी जमीन हड़पने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब जम्मू कश्मीर अगर देश आत्मनिर्भर हो रहा है तो जम्मू कश्मीर को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, होना चाहिए। और हम कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आवें, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। मैं एक बात, अभी मेरे पूर्व के वक्ता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से हैं, उन्होंने कहा जमीन, तो जमीन आपको दे दी गई, मैं आज ये घोषित करता हूं आप सेंटर ऑफ एक्सलेंस यहां बनाइए, रश्मि सिंह जी को आप प्रस्ताव दे दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि अभी एक जमीन खाली करो अभियान चला था। अब उस जमीन का उपयोग क्या होगा जो खाली है, अवैध ढंग से जिन लोगों ने कब्जा किया था, तो कल एक फैसला हम निकल के ऐसे ही सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाएंगे, स्पोर्ट्स फील्ड बनाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे। तो सरकार की जमीन अगर गलत लोगों ने कब्जा किया था, वो सरकार के पास आई है, तो उसका उपयोग पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों के लिए हो, ये हमारा अंतिम फैसला है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि जमीन की अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। कुछ लोग साजिश के तहत लोगों को गुमराह, जब अभियान हमने इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट रही, मुझे मालूम है, मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा कि एक भी गरीब आदमी को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन किसी रसूखदार को बख्शा भी नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पदों पर रहते हुए कानूनों का दुरुपयोग करके अपने अपने परिवार की भलाई के लिए और सामान्य जनता के हितों को गिरवी रख करके जम्मू कश्मीर को बंधक बनाया था, वो समय अब समाप्त हो गया है। आम आदमी की आवाज सुनी जाएगी, आम आदमी के हक में फैसले लिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। एलजी ने यूनिवर्सिटी के नव निर्मित विज्ञान ब्लॉक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में रिसर्च, इनोवेशन और इस तरह की चीजों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हम इस यूनिवर्सिटी को स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी बनाने में हर तरह की मदद करेंगे। मुझे लगता है कि आज के स्थापना दिवस पर हम इकट्ठा हुए, चाहे विश्वविद्यालय के कुलपति जी हों, प्राध्यापक हों, प्राचार्य हों, विद्यार्थी हों, विश्वविद्यालय में काम करने वाले लोग हों, मुझे लगता है इस पर हम सबको, आप सबको स्वतः चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरे पूर्व कई वक्ताओं ने कई बातें कही हैं, मैं बात शुरू करने के पहले मुझे लगता है उस संदर्भ में अपनी 2-3 बातें कह के आगे बढ़ूंगा। जो विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने अपनी बात रखी तो कुछ चिंताएं व्यक्त की, जिसका काफी हद तक समाधान हमारे प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने किया। किसी भी संस्थान को अपने उच्च स्थान पर पहुंचने में 6-7 साल का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है, खासतौर से शिक्षण संस्थान जो भी देश में दुनिया में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके, समय लगा। मैं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय की भी आवश्यकताएं हैं, यहां के कुलपति जी, यहां के प्राध्यापक, यहां के प्राचार्य अपने विश्वविद्यालय, अपने महाविद्यालय और अपने विभाग और संकाय के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक बात यहां कहना मैं जरूरी समझता हूं कि आप देश के किसी राज्य से तुलना कर लीजिए, मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं और अधिकृत रूप से जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश के किसी राज्य और यूपी से तुलना कर लीजिए, हमारा जो उच्च शिक्षा का बजट है
वो देश के किसी राज्य से प्रति विद्यार्थी ज्यादा। ये बात मैं जोर देकर कहता हूं, ये सच है कि आवश्यकताएं हमारी हैं, मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा। बात तो बैंकिंग की हुई, इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, रिसर्च, अब इसको करने के लिए जो जरूरत है विश्वविद्यालय की, वो अभी तक हम पूरा नहीं कर पाए हैं, सच्चाई है। पिछले साल कुछ हुआ था, इस साल बजट में हमारे प्रमुख सचिव ने लगभग लगभग जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तो निश्चित रूप से और बेहतर परिणाम यह विश्वविद्यालय देगा। आगे बढ़ेंगे, पुलवामा में एक स्थानीय काउंसलर